वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इट्स 7 इन द मॉर्निंग और मैं खड़ा हूँ भोपाल की फेमस राजू टी स्टॉल पे। हम लोग निकल चुके हैं भोपाल से टुवर्ड्स मंदसौर टू सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो मेरे साथ हैं उम्मीद भाई, अरविंद सर और पवन सर। तो अभी गाड़ी में बात करते हैं, शोर बहुत है। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ब्यावरा। मेरे पीछे देख रहे हो, पुरानी यादें आ रही होंगी। लद्दाख के टाइम पे भी अपन ने यहीं पे नाश्ता किया था। तो अभी हम ब्यावरा पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग झालावार की तरफ। तो नाश्ता करने रुके थे, भूख लग रही थी। तो अभी हमारे पास है अभी मेथी के पराठे। सर लाए, ठीक है। तो मेथी के पराठे खाते हैं, फिर आप लोग को दिखाया गरम गरम कचौड़ी निकल रही है, कचौड़ी खाते हैं और नाश्ता करके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज की सवारी अपनी खड़ी है वो इनोवा, वो पीछे वाली, ये दोनों नहीं, पीछे वाली, ठीक है। हम लोग भोपाल से निकले थे सुबह 6 बजे, जैसे आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया था वीडियो में। और अब पहुंच चुके हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में। जस्ट वेटिंग फॉर आवर रूम और चेक इन कर लिया है हम लोग ने। रूम में जाएंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे अपना लंच। लंच के बाद कुछ एक्टिविटीज़ प्लान्ड है, तो आगे सारी एक्टिविटीज़ आप लोग को मैं बताने वाला हूँ क्या रहती हैं। तो अभी हमारी जो किट है वो हमें डिलीवर की जा रही है। सो थैंक यू। सो ये किट है, तो रूम में जाके चेक करते हैं कि क्या है इसके अंदर। और मेरे साथ मौजूद हैं आज इस ट्रिप पे यहाँ पे हमारे पवन जी, जो आए हैं राइट अवे फ्रॉम तामिया पताल। हाय, इस पे तो कैसा रहा पवन जी अभी तक? फर्स्ट क्लास अभी तक की आपकी लीडरशिप में एक बहुत अच्छा टूर चल रहा है। और हम लोग सुबह 5:30-6 बजे भोपाल से स्टार्ट किए
और भोपाल की सबसे फेमस टी राजू टी स्टॉल से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। बहुत ही प्यारी सुंदर सुबह स्टार्ट हुई और अब एक अच्छा हम लोग सफ़र करके कंफर्टेबल जर्नी करके पहुंच चुके हैं। जस्ट अराइवल हुआ है, वार्म वेलकम हुआ है बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनली, और उसके बाद हम लोगों का चेक इन हो रहा है। बहुत बढ़िया लगता है, अब दो दिन हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पे और आपको हर अपडेट और एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली जो यहाँ हम लोग पा रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और इवोक जिस प्रॉपर्टी में हम लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, यहाँ वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया, अच्छा अभिवादन हम लोगों का हुआ है और बाकी की हॉस्पिटैलिटी उम्मीद है कि बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर जिस हिसाब से शुरुआत हुई। बहुत अच्छा लगा, यस डेफिनेटली जी, बहुत शानदार शानदार। हम लोग भोपाल से आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा, पहले ही आए और हम लोगों को नया अनुभव मिलेगा और तीनों में जो काम कर रहे हैं उसमें भी मदद मिलेगी, ये सब देख के सब चीज़ समझ के आगे हम और बेहतर काम करेंगे। लग ही रहा है बाकी देखते हैं तक का जो मज़ा आता है, इतना शानदार आपने किया, शानदार मैं इधर हो जाता हूँ। लोग तो हम यहाँ पे आ चुके हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में और यहाँ पे आते से ही जो हमारा स्वागत हुआ एकदम राजकीय सम्मान के साथ, माला तिलक ढोल सब कुछ, तो उसे जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा है ना वो बहुत ही शानदार पड़ा है। और अब चेक इन कर लिया, हमें बताया गया क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इटनरी समझाई गई है, तो देखते हैं लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। चलो चलते हैं अब अपने रूम की तरफ, लाइट थोड़ी सी ऐसी आ रही है इसलिए, तो रूम की तरफ चलते हैं और फिर आगे की एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। सो आ चुके हैं हम लोग रूम के अंदर और रूम दिखाता हूँ आप लोगों को, रूम बहुत बढ़िया है, मतलब जो बना है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ टेंट लगे होंगे लेकिन ये रूम है, ठीक है। तो देखो ये तो एंट्री है जैसे देख ली, ये लगेज रैक है, लगेज हमारा आ चुका था पहले ही, वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, बड़ा वॉशरूम है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है वॉशरूम। और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो दो चेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे एक बेड है हमारे पास और ये पूरा एयर कंडीशन है। एंड लुक एट द व्यू, जो मेन चीज़ है भैया यहाँ की, खुल जा भाई कहाँ से खुलेगा, यहाँ से पैक है, साथ में क्यों चल रहा है, चलो यार ऐसे ही आते हैं। ये देखो लुक एट द व्यू, और वो जा रही है जेट्स की, दिख रही है पानी के अंदर, थोड़ा जूम करें, ये देखो, ठीक है। तो चलो इत्मीनान से दिखाएंगे, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है अपने पास, शाम को यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगेगा लेकिन हम रहेंगे बिजी एक्टिविटीज़ में इसलिए। तो अब थोड़ा सा हालत सुधार ली जाए, शक्ल वक्ल सुधार ली जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को फिर आगे की चीज़ें बताते हैं, मिलते हैं आगे। आज दो दिन हैं यहाँ पे तो बहुत कुछ होने वाला है इन दो दिनों के अंदर और बाकी सारी बातें फिर करेंगे, अभी तो देखना है फूड वूड और दूसरी सारी चीज़ें की कैसी रहती हैं। तो चलो मिलता हूँ आगे, थोड़ी देर रुको, क्या है इसमें, खुल जाए यार, देखें अपन, है ना। तो एक तो ब्रांडिंग है यहाँ पे इवोक एमपीटी की, ठीक है, फिर कैप है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, फिर इसके बाद इस वाले पॉकेट में है आई कार्ड डेलीगेट, ठीक है, देन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से भी एक आई कार्ड है डबल डबल डेलीगेट, ऐसा क्यों भाई, एक मोमेंटो है, ठीक है, ये हमारी आइटनरी होगी मोस्ट प्रोबेबली, हाँ की तरफ से ये एक्टिविटी चार्ट है हमारा, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये स्टेज हैं हमारे, ठीक है, और आसपास हम कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स, नहीं बाकी इतना ही है इसके अंदर, उसे वापस अंदर ही डाल देते हैं हम। सो हम लोग आ गए हैं अब हमारा लंच करने के लिए और बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई,
क्योंकि 3 बज चुका है, ठीक है। वैसे तो लंच का टाइमिंग 2 बजे तक है, क्योंकि हम लोग कल चेक इन लेट हुआ है, इसलिए हमारे लिए 3 बजे तक एक्सटेंड हो गया है। तो करते हैं जल्दी से लंच और फिर आप लोग को आगे की एक्टिविटी भी बताते रहेंगे। मैं तो बार बार नहीं बोलूँगा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एक ही रिटर्न होती रहती है, ठीक है। तो चलो लंच लेते हैं और खाना खाते हैं फटाक से। सो व्हाट टुडे वी हैव इन आवर लंच इज कढ़ी पकौड़ा, चना दाल तड़का, ठीक है, स्टीम्ड राइस, दम का चावल, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, रोटी नान, वेजिटेबल ओरियल, पता नहीं भाई पहली बार सुन रहे हैं, सब्जी कोल्हापुरी, पनीर हैदराबादी, ठीक है, वेजिटेबल रायता है यहाँ पे, सलाद, पापड़, आइसक्रीम, यहाँ पे क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप, और यहाँ पे वेज मंचो सूप। सूप तो अपने पसंद का नहीं है तो अपन सूप नहीं ले रहे, अब अपन लेते हैं खाना, भूख लग रही है, बाद में मिलता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या क्या लिया है खाने में, पापड़, यहाँ पे रोटी है मेरे पास, पनीर है, ये रायता है, वेज रायता, ये रशियन सैलेड है, देखते हैं कैसा है, और ये वेज सब्जी है, रोटी यहाँ भी रखी हुई है साथ में, तो खा के बताता हूँ कैसा है। मज़ा आ गई, स्पीड बोट भी हो गई हमारी और हॉट एयर बलूनिंग भी हो गई हमारी, और अब हम लोग जा रहे हैं इंडिजिनस कुकिंग वर्कशॉप है, तो देखते हैं क्या होता है, कुछ लग तो रहा है कुछ यूनिक सा होगा, कुछ अलग सा होगा, मतलब ऐसा कुछ हमें कुकिंग करनी है, शेफ़ वहाँ पे रहेंगे, वो हमें बताएंगे, गाइड करेंगे। अब भाई अपन कुकिंग के मामले में ठीक ठाक हैं, बहुत प्रो लेवल के खिलाड़ी नहीं हैं, तो देखते हैं क्या होता है, बाकी एक्सपीरियंसेस नोट करते हैं अपन सब लोगों के कि कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सब व्लॉग कर रहे हैं, चक्कर ही है, देखो यहाँ से पवन जी व्लॉग कर रहे हैं, यहाँ से मुमित भाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वही है कि पूरी ब्लॉगर्स की टीम बन गई है मेरी गाड़ी के अंदर, हम 3-3 ब्लॉगर हो गए, और उसमें जो हमारे अरविंद जी है वो अकेले पड़ गए बेचारे। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं डाइनिंग एरिया में और वहाँ पे करते हैं हमारी वर्कशॉप को आगे कंटिन्यू। आई होप आप लोग को अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कल एक बार हम लोग फाइनली अच्छे तरीके से वाटर एक्टिविटीज़ को वापस परफॉर्म करेंगे, उसके शॉट्स में और अच्छे से कोशिश करूंगा डालने की, अगर मौका मिलता है तो, पक्का वादा नहीं कहता, ठीक है। बाकी पवन जी कैसा लगा अभी तक का? अरे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जा रहा है सर, सब जा रहा है ना, बहुत फर्स्ट क्लास जा रहा है, सब चीज़ें टाइमली और बहुत अच्छी हो रही है और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, इन्जॉय के साथ साथ जो जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा रहा है, और अगला वाला जो सेशन है उन्होंने बहुत अच्छी वर्कशॉप रखी इंडिजिनियस फूड को लेके, और अवनीश जी के साथ में हम लोग जा रहे हैं क्लास की ओर, अवनीश जी ने काफ़ी सारा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब क्रेडिट इन्हीं को जाता है, नहीं आप लोग आए इसी रूप से, ये तो हमारा आने का इंतजाम तो आपने करा है ना, सब भी कुछ, और एक ये कहता हूँ कि आप सारी एक्टिविटीज एक्सप्लोर करो एक जगह पे रह के, गांधी सागर एक नया डेस्टिनेशन है अपने यहाँ पे, बिल्कुल, और ये अब साल भर चलेगा, तो आप कभी भी मूव करें फैमिली के साथ अपना वेकेशन प्लान करें, साल भर चलेगा, यस तो लाइव, और ये आप लोग मतलब अभी
इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप थर्ड डे में ही आप लोग एक्सपीरियंस करें तो ये भी आप लोग के लिए बड़ी बात है। अरे क्या बात है, ये देखिए अभी तीसरा ही दिन है इस प्रॉपर्टी को इनॉग्रेट किया हुआ और हम लोग शुरुआती लोग हैं। अवनीश जी के थ्रू हम लोग यहाँ आए हैं एक्सप्लोर करने और अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हम लोग बनाए और इतना सारा सब चीज़ें यहाँ पे है, बस एक समय निकाल के लोग ने आना है, चाहे वो वीकेंड के लिए आए या दो या तीन दिन के टूर बना के आ सकते हैं। और काफ़ी कुछ है यहाँ करने के लिए, अभी हर चीज़ से रूबरू होते रहेंगे हम लोग अगले सेशन की ओर। वेरी गुड, तुम पहले सारे गले वो जब जब नहीं आई। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अभी साइलेंट डीजे के लिए और साइलेंट डीजे चल रहा है सब लोगों का और हेडफोन पहन के डांस हो रहा है, ये देख रहे हो आप हेडफोन है। तो साइलेंट डीजे का मतलब यही है कि शोर शराबा नहीं है, लेकिन जो डांस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पूरा म्यूजिक है, ठीक है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ तरीका, ये देखो ये प्रॉपर चल रहा है पूरा सिस्टम, ठीक है। सो रेडी फॉर पैरामोटरिंग और रवि भाई हैं साथ में हमारे जो पैरामोटरिंग कराएंगे, तो कितनी देर लगेगी अपने को? बस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर। और कितनी देर का राउंड रहेगा? 3-4 मिनट्स। 3-4 मिनट्स का, चलिए तो करते हैं। डिपेंड ऑन विंड, विंड पहले भी आएंगे बाद में भी आएंगे, ठीक है। सो चलिए करते हैं पैरामीटरिंग शुरू। ओके।